कि नंबर वन मेल है या फीमेल है, मर्द जिंदा है या मरा है ऐसा, और बाद में ओपन करके चेक करेंगे कि तुमने जो आंसर दिया ये इसमें कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। नायक सर, आपका ये जो चैलेंज मुझे लगता है नेपाल के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एस्ट्रोलॉजर के लिए, ज्योतिष के लिए, और लेट्स होप एक दिन एक टैलेंट ज्योतिष आएगा और ये 10 लाख लेकर जाएंगे। ठीक है, अगर कोई इतना कह सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा हम मान लेंगे ना। अच्छा, हम अगर साइंस का मामला ये है आपको तो मानना ही पड़ेगा, प्रूव किया तो हम मान जाएंगे, आपको तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि आपने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया। ये तो मेरा बहुत छोटा अमाउंट है। अच्छा, जेम्स रैंडी है जो अमेरिका में, इसने $1 million का चैलेंज लिया। $1 million का चैलेंज दिया किस काम के लिए? कुछ भी करके दिखाओ, कोई चमत्कार, कोई भी चमत्कार। अच्छा, वो बोलता है कि मेरे सामने टेबल पे बैठो और चमत्कार करके दिखाओ। अच्छा, और $1 million ले जाओ। अच्छा, मेरे जैसे ये करके दिखाओ, ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं, कुछ भी। अच्छा, कुछ भी कर सकते। अच्छा, अगर कॉइन टॉस करते हो तो क्या होगा, 50 heads 50 tails आएगा रफली। अगर आप 100% हेड कर सकते हैं, 100% टेल्स कर सकते हैं, उसको भी ये चैलेंज है इनका। तो नेपाल में जितने भी बाबा हैं जिसके पास चमत्कार हैं तो वो लोग आ सकते हैं और $1 million जेम्स, जेम्स रैंडी का लेकर जा सकते हैं। नायक सर, हम कार्यक्रम के अंत अंत पे आ चुके हैं। ये जो समाज में अंधविश्वास है इसको समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? एजुकेशन। अच्छा, शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा साक्षरता नहीं। अच्छा, एजुकेशन एंड लिटरेसी दो अलग अलग चीज होती है। कोई इंजीनियरिंग में लिटरेट होता है, इंजीनियरिंग बन गया, लेकिन सोच इसका पैदल वहां जाने वाले जैसा ही सोच। अच्छा, वो ब्रिज बनने से पहले पूजा करेगा। कोई डॉक्टर है, वो लिटरेट है मेडिसिन में, लेकिन वो कहता है कि बाबा के बहुत लगाने से बीमारियां ठीक हो सकती है। कोई एस्ट्रोनॉमर है, कहता है कि एस्ट्रोनॉमी पर रिसर्च करता है, लेकिन इधर जाके सूर्य का ग्रहण हो गया तो नहाता है, कहता है कुछ अशुद्ध हो रहा है। ऐसे लोग बहुत है हमारे समाज में, तो इसलिए हमें सच्चा शिक्षण चाहिए। अच्छा, जो तर्क सिखाता है। अच्छा, वैज्ञानिक मेंटालिटी सिखाता है, तर्कबद्ध होना चाहिए, तर्कबद्ध सोच जी, वही हमारा शिक्षण होना चाहिए। नॉलेज एक्वायर करने के मीन्स होना चाहिए। अच्छा, तो जब तक ये जो साइंटिफिक थिंकिंग की एजुकेशन हमने दिला दे तब तक ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास अंत नहीं होने वाला, अंत नहीं होने वाला। डॉक्टर नायक साहब, कार्यक्रम में आने के लिए और महत्वपूर्ण विचार रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।